गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब क्लासेज आर्या स्कूल हमीरपुर में। मैं फिर खान आपके लिए लेके आया हूँ कल कंपलसरी इंग्लिश में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक क्या चल रहा था? इनविटेशन। और इनविटेशन में हम करेंगे आज इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज। क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज। इनफॉर्मल इनविटेशन और उसके जवाब देखेंगे हम किसमें? अपने टॉपिक इनविटेशन टॉपिक में। इनविटेशन टॉपिक जो अपन कर रहे थे उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। हमने फॉर्मल इनविटेशन देख लिया, अभी देखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन मतलब अनौपचारिक आमंत्रण। अब जो अनौपचारिक आमंत्रण होते हैं यानी औपचारिकता जिसमें नहीं दर्शाई जाती है, अनौपचारिक होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं आपको बताइए? ये कौन सी में? देखो इसमें खास बात क्या है कि जो अनौपचारिक इनविटेशन है वो अनौपचारिक पत्र की तरह ही लिखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह आम भाषा में लिखे जाते हैं। कैसी भाषा में? सामान्य भाषा में, आम भाषा में लिखे जाते हैं। बिल्कुल पत्थर की तरह, जैसे हम एक लेटर लिखते हैं ना, उसकी तरह ही ये लिखे जाते हैं। ये हस्त लिखित या मुद्रित हो सकते हैं, मतलब हाथों से लिखे हुए या प्रिंटेड या टाइप या किसी कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से टाइप किए हुए मैसेज के माध्यम से होंगे, हो सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं। क्या ध्यान रखना है कि ये जो लेटर है अनौपचारिक इनविटेशन है, इनफॉर्मल इनविटेशन है, वो कैसे लिखे जाते हैं? कौन सी लैंग्वेज में? फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं। अब इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे लिखे जाता है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखे जाते हैं? अब आप लोग मेरे को ये बता दो कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। बता दीजिए। वही बात, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस। पहला कार्य क्या करेंगे? सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके तुरंत बाद डेट लिखेंगे। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन वर्ड लिखना है, मतलब संबोधन शब्द, जैसे माय डियर आगे उसका कोई भी रिलेशनशिप जो हो वो।
ओकेजन, कौन से ओकेजन के लिए वो हमें बुला रहा है, डेट, वेन्यू और टाइम। ओकेजन कौन सा है, उसका डेट क्या है, उस कौन से स्थान पे है, क्या टाइमिंग है उसकी, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, क्या क्या बताया है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सॉल्यूशन कार्ड, ओकेजन, डेट, वेन्यू, टाइम, कॉम्प्लीमेंट्स, लास्ट में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और अंत में होते हैं क्या, सिग्नेचर, यानी लास्ट में सिग्नेचर होते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब यूएस लविंग, यू आर सिंसियरली, यू आर फेथफुली, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। जैसे क्या बताया कि फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होगा, डेट होगा, सॉल्यूशन वर्ड्स होगा, ओकेजन क्या है, डेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, यानी कहां वैल्यू यानी कौन से स्थान पे है, टाइम क्या है उसका, कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, और सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्स के और सब्सक्रिप्शन, और अंत में उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे। तो चलो इसी के साथ हम एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिख के देख लेते हैं, ठीक है, एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिख देते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। रामविलास नगर 25th अंधेरी स्ट्रीट न्यू दिल्ली। ये हो गया सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ठीक है ना, तो आज डेट, चलो डेट लिख देते हैं, 8th अगस्त 2020, ठीक है, ये हो गया डेट। इसके बाद माई डियर फ्रेंड, अब फ्रेंड के नाम भी लिख सकते हैं, या माई डियर फ्रेंड राजू, या फिर सीधा लिख सकते हैं माई डियर राजू। यू विल बी ग्लैड टू नाउ दैट You will be glad to know that I am celebrating my 21st birthday. I am celebrate my 21st birthday on 12th August. ये मेरा जन्मदिन है, वो 12 अगस्त को मना रहा हूँ।
तुम्हें ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। आई एम सो एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर चार्ल्स अगस्त, कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ किसका, 12 अगस्त का। क्या बताया है, द पार्टी विल ऑर्गेनाइज इन द पार्टी विल ऑर्गेनाइज एट होटल राम विलास पैलेस। की पार्टी का आयोजन है वो कहाँ होगा, राम विलास होटल में होगा। दिल्ली एट 8 PM ऑन 12th अगस्त। The party will be full of dance, music and food. कि पार्टी के अंदर पार्टी पूर्ण रूप से उसमें डांस होगा, नृत्य होगा, म्यूजिक होगा और खाना भी होगा। So I inviting to you for this occasion. Do come with भाभी and चिंटू, कि भाभी और चिंटू को साथ में लेके आए। You are loving friend मोहन, you are loving friend मोहन। ये हो गया आपका एक इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन कुछ इस प्रकार से ही लिखा जाएगा।
तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले देखिए एड्रेस लिखा एट एगस 2000 एट अगस्त 2020, माय डियर फ्रेंड राजू, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माय 21st बर्थडे ऑन 12th अगस्त। कि तुम्हें जानकर बहुत प्रसन्नता अपार प्रसन्नता होगी कि मैं मेरा 21वां जन्मदिन मना रहा हूँ कब, 12 अगस्त को। आई एम सो एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर 12th अगस्त, कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और 12 अगस्त का इंतजार कर रहा हूँ। द पार्टी विल ऑर्गेनाइज एट होटल राम विलास पैलेस दिल्ली एट 8 PM ऑन 12th अगस्त। की जो पार्टी है वो कहाँ, दिल्ली के होटल राम विलास पैलेस में रात्रि 8 बजे कौन सी डेट को, 12 अगस्त को ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, द पार्टी विल बी फुल ऑफ डांस, की पार्टी के अंदर पूरा डांस होगा। डांस म्यूजिक एंड फूड, की नृत्य म्यूजिक और नृत्य संगीत और भोजन की पूरी व्यवस्था होगी। I am inviting to you for this occasion. इसलिए मैं तुम्हें इस अवसर के लिए आमंत्रित करता हूँ। Do come with भाभी and Chintu. Chintu और भाभी को साथ में लेके आइएगा। Yours loving friend Mohan. ये तो हो गया इसका क्या invitation। ठीक है, formal invitation हो गया। ये तो हमने एक formal invitation लिखा है। Formal invitation लिखने के बाद हमारे पास क्या बचता है, reply. अब हम इसी लेटर का रिप्लाई देंगे। ठीक है, इस लेटर का रिप्लाई कैसे देंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस लेटर के रिप्लाई, सॉरी, इस इनविटेशन के रिप्लाई के बारे में जानेंगे कि रिप्लाई किस प्रकार से देते हैं, यानी इनफॉर्मल रिप्लाईज में और फॉर्मल रिप्लाईज में जो अंतर है वो क्या है। ठीक है ना, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखेंगे। तो आपको बताया था जैसे फॉर्मल इनविटेशन था, इसमें रिप्लाई देखेंगे, रिप्लाईज ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। तो इसमें विशेष बातें क्या थी, रिप्लाई देते समय इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई देते समय, फॉर्मल में हमने कहा था कि उसमें हम केवल थर्ड पर्सन यूज करेंगे, तो और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन का, प्रोनाउन में रिप्लाईज लिखे। ठीक है, शब्द सीमा का ध्यान रखे, अनावश्यक बातों को रिप्लाईज में ना लिखे, RSVP का प्रयोग न करें, थोड़ा सा उसमें हमने हस्ताक्षर किए थे, इसमें हस्ताक्षर नहीं करने, हस्ताक्षर फॉर्मल इनविटेशन में हस्ताक्षर नहीं करने थे, और इसमें पत्र समाप्ति पर
दाएं ओर नीचे हस्ताक्षर अवश्य करें। रिप्लाई समाप्ति पे, ठीक है। रिप्लाईज लिखने की डेट अवश्य लिखें, यानी जिस दिन हम रिप्लाई लिख रहे हैं उसका डेट अवश्य लिखना होता है, ठीक है। ऊपर दाईं ओर अपना पता अवश्य लिखें, यानी पता और डेट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक स्पेलिंग लिखवाई थी, एक्सेप्टिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन मैंने एक ऐसे डिक्लाइन की स्पेलिंग लिखवा दी थी जो कि रॉन्ग है। ये स्पेलिंग जो थी इसको देख लीजिएगा आप, इस प्रकार से लिखना है, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन और डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन की डी सी एल आई एन ई स्पेलिंग होता है और इसके साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से स्पेलिंग हो जाता है। तो मेरा बाय मिस्टेक हमने वो गलत कर दिया था, ये स्पेलिंग रोम है तो इसको आप राइट देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हो जाती है तो ध्यान रखें, अगर हो जाती है तो उसको करेक्शन कर दिया करें और आगाह भी करवा दिया करें। गलतियां जब तक समझ में नहीं आएगी, सामने नहीं आएगी, तब तक सुधार भी नहीं हो सकता। तो जो भी गलतियां होती हैं छोटी छोटी बड़ी जो स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स हैं वो बताते रहे। तो ये अब हम इसका एक रिप्लाई लिखेंगे, ठीक है। जो हमने अभी इनविटेशन लिखा था उसका रिप्लाई लिखेंगे, एक्सेप्टिंग में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग में इसका रिप्लाई लिखेंगे तो उसके पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें कि बॉक्स में ही बनाना होता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे 27th रामनगर बसंत बिहार न्यू दिल्ली, वो दिल्ली से लिखा था इसको हमने न्यू दिल्ली बना दिया, ठीक है। उसने हमें 8th अगस्त को लिखा था, 12th अगस्त के लिए हम 10th अगस्त को उनको पत्र वापस लिख देते हैं, ठीक है। माय डियर मुकेश, आई एम pleasant surprised to find your birthday invitation. I am pleasant surprised to find your birthday invitation. कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता युक्त आश्चर्यचकित हुआ तुम्हारा क्या बर्थडे का जो इनविटेशन था, आमंत्रण पत्र था, उसको पाकर।
ठीक है। आई एम स्टिल रिमेंबर लास्ट योर लास्ट बर्थडे पार्टी we had got great fun, हमने बहुत ज्यादा आनंद लिया था। I feel very glad to join this occasion. I feel very glad to join this occasion. मैं ये occasion यानी अवसर है वो इस अवसर पर आपके यहाँ उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता महसूस करूंगा। I am coming with my family. मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड राज, तुम्हारा प्रिय मित्र राज। यह हो गया अपना एक्सेप्टिंग क्या इनविटेशन। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या विशेष बातें हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये है कि हमने ये बोला था कि जो एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इनविटेशन है उसका जो रिप्लाई इनफॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई करेंगे एक्सेप्टिंग का या डिक्लाइन का, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। उसमें ये ध्यान रखना कि अनावश्यक बातें ना हो, ठीक है। ऊपर ही ऊपर बाई और पता लिखा, दाई और पता वो लिखा होना चाहिए, उसके नीचे डैड, फिर सॉल्यूशन वर्ड, फिर जो हमें जवाब देना है वो जवाब। तो हमने लिखा सबसे पहले एड्रेस लिखा, उसके बाद डैड लिखा, फिर लिखा सब सॉल्यूशन वर्ड, आगे मैसेज लिखा। मैसेज में क्या लिखा, आई एम प्लीजेंट सरप्राइज्ड टू फाइंड यूर बर्थडे इनविटेशन, कि मैं बहुत ही ज्यादा खुशनुमा आश्चर्य से भर गया तुम्हारे बर्थडे यानी जन्मदिन के आमंत्रण को पाकर। आई एम स्टिल रिमेम्बर यूर लास्ट बर्थडे पार्टी, मुझे अभी भी तुम्हारी पिछले बर्थडे पार्टी याद है। वी हैड गोट ग्रेट फन, हम लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा आनंद, हमने वहां पर बहुत ज्यादा आनंद लिया था। आई फील वेरी ग्लैड टू ज्वाइन दिस ओकेजन, कि I feel very glad to join this occasion कि मुझे इस अवसर पर उपस्थित होकर या मैं इस अवसर पर उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता महसूस करूंगा। I am coming with my family, मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आ रहा हूँ। You are loving friend राजू, तुम्हारा प्रिय मित्र राजू। इस प्रकार से हमें क्या करना था, ये एक्सेप्टिंग का इनविटेशन लिखना था। तो समझ में आया ये, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अपना एक्सेप्टिंग रिप्लाइज ऑफ इनविटेशन हो गया। अगर हम इसको डिक्लाइन में क्या करें, डिक्लाइनिंग करें तो क्या करेंगे, देखिए ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, छोटा सा परिवर्तन होगा और उस छोटे से परिवर्तन में ही हम समझ जाएंगे कि अपना एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन का इन्विटेशन क्या है।
अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्लाइन, ठीक है। सबसे पहले ऊपर का चेंज किया, क्या लिखा, डिक्लाइन रिप्लाइज ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखा, एड्रेस लिखा 27th राम नगर बसंत बिहार न्यू दिल्ली 10 अगस्त 2020। माय डियर मुकेश, I am pleasant surprised to find your birthday invitation. I am still remember your last birthday party. We had got great fun. अब यहां से हम इसको थोड़ा सा बदल, but I feel very sorry to inform you that I will not come लिखा I feel very sorry to inform you that I will not be coming in your party due to some unavoidable work, official work on the same date. क्या होता है कि मैं I feel very sorry, मैं बहुत दुखद महसूस कर रहा हूँ या मैं आपसे माफी चाहता हूँ आपको यह इन्फॉर्म करते हुए, यह सूचना देते हुए कि मैं आपकी पार्टी में नहीं आ रहा क्योंकि किस कारण, इस बहुत ही जरूरी अनअवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो ऑफिशियल वर्क है, वो इसी दिन आपको मुझे बहुत आवश्यक जरूरी क्या है कार्य है, कार्यालय कार्य है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। माय बेस्ट विशेस Always with you. मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। God may long live you. May God long live you. इस वक्त तुम्हें लंबी आयु दे। Yours friend trust. तुम्हारा प्रिय मित्र trust. यह हो गया declining का, यानी accepting और declining में थोड़ा सा डिफरेंस यहां से। पहले उसे ऊपर वाले ने तो हमने जो एक्सेप्टिंग वाला किया था उसमें तो हमने कहा था कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आते हुए, लेकिन जब नहीं जा रहे हैं तो हमें बहुत दुख हो रहा है। तो क्या होता है कि बट आई फील वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी कमिंग इन योर पार्टी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क ऑन द सेम डेट, कि मुझे बहुत ही दुख महसूस हो रहा है क्योंकि मैं इस दिन आपकी पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि एक बहुत ही जरूरी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑफिशियल वर्क होने के कारण मैं आपकी पार्टी में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मुझे क्षमा करें। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मे गॉड लॉन्ग लिव यू, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। योर्स फ्रेंड राज। इज दैट क्लियर? ये आपके दोनों रिप्लाईज हो गए, एक्सेप्टिंग का भी हो गया और
डिक्लाइनिंग का भी हो गया, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों के रिप्लाईज हो गए। यानी इनविटेशन देखे हमने, इनविटेशन के अंदर हमने देखा कि दो प्रकार के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। चूंकि हमारे सिलेबस में फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन न होकर उनके फॉर्मल उनके रिप्लाईज है। इनविटेशन के क्या है, रिप्लाईज है। रिप्लाईज भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर्मल है तो फॉर्मल रिप्लाईज होगा, फॉर्मल इनविटेशन है तो फॉर्मल रिप्लाईज होगा, और इनफॉर्मल इनविटेशन है तो इनफॉर्मल रिप्लाईज होगा। तो दोनों के रिप्लाईज दिए गए, रिप्लाईज में भी दो प्रकार थे, एक तो एक्सेप्ट करने का और एक नेग्लेक्ट करने का या डिक्लाइनिंग करने का, रिफ्यूज करने का। तो दोनों हमने देखा, दोनों में हमने देखा कि फॉर्मल रिप्लाईज में हमें क्या लिखना है और इनफॉर्मल में क्या लिखना है। फॉर्मल रिप्लाईज में हमने जहां देखा कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में नहीं लिखा जाता, वहीं पर इनफॉर्मल रिप्लाईज है वो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। ठीक है, उसमें नीचे सिग्नेचर नहीं होते, फॉर्मल रिप्लाईज में नीचे सिग्नेचर नहीं होते, इनफॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल रिप्लाईज में क्या होता है, नीचे सिग्नेचर होता है। फॉर्मल में ऊपर एड्रेस नहीं लिखा जाता, इनफॉर्मल में ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो हमने देख लिए हैं। इसी प्रकार हमारा इनविटेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि आपका रिप्लाई दिया जाए और जो आपको समझ में आया उसको समझाने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्या स्कूल हमीरबाद से, और कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।